आपको अमरीका से, जहां बर्फ के बदतरीन तूफान ने तबाही मचा दी है। 6 रियासतों में 34 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने निजाम फ्लूज कर दिया। अमरीका की रियासतों में पारा -35 से -45 डिग्री तक गिर गया। बम तूफान से 22 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी मुतासर। 9,500 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि 10 से 12 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। क्रिसमस पर लाखों अफराद फंस गए। न्यूयॉर्क में 40 घंटे से बर्फबारी जारी। बफेलो में सूरत हाल इंतहाई संगीन। टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी ने पैदावार कम कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैनेडा में भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। शहरियों को मुश्किल का सामना। अमरीका और कैनेडा में लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। इस वक्त आपको हम खबर दे रहे हैं अमरीका से, जहां बर्फ़ के बदतरीन तूफान ने तबाही मचा दी है। 6 रियासतों में 34 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान जिलानी से। जी कामरान जिलानी, जी ये हम जिस रियासत में वो तो टेक्सस है वहाँ जो प्रोडक्शन की गई थी सर्दी की, वो शिद्दत तो नहीं आई, लेकिन मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे जो न्यूयॉर्क स्टेट की जो शहर है बफलो, जो कनाडा की तरफ से मुतासिर है, तो वहाँ से कुछ मुसलमानों ने मैसेज भेजे थे। खासतौर पर वहाँ दारुलूम के सरबरा उनका मैसेज भी मुझे मिला था। वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब है। लोग 3-4 दिन से वहाँ घरों में फंसे हुए, लाइट नहीं है, और अब तक जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं बफलो में वो 17 बताई जाती हैं। और वहाँ पे स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी हुई है, और सदर बाइडेन की जानिब से जो है वो हंगामी ऐलानिया जो होता है वो भी जारी किया जा रहा है। लेकिन वहाँ सूरत हाल ये है कि 911 जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स का नंबर होता है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो लोगों को मदद नहीं मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सड़कों पर उन्होंने मना कर दिया है, पाबंदी आयद कर दी है लोगों को कि घर से ना निकले और सड़कें इस्तेमाल ना करें। सफर जो है बिल्कुल मुअत्तल हो गया है, और वहाँ पे इवन ये कि एम्बुलेंसें तक फंस गई हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो अमवात हुई है वो सड़कों पे कुछ मिली है लाशें, और कुछ लोग गाड़ियों में फंस गए थे 3-4 दिन से, तो वो टुटर के उसमें मर गए हैं। तो वहाँ सूरत हाल जो मुसलमानों ने मैसेज करके मुझे बताई है उसने कि उनके घर में छोटे बच्चे हैं, सिर्फ 1 या 2 कम्युनिटी सेंटर खोले गए हैं जहाँ लाइट है, वहाँ लोगों को कहा गया है कि मुंतकिल हो जाए, लेकिन वहाँ पे मतलब कह लें कि क़यामत के सुकरा का मंजर है इस वक्त। तो वो जो जिस तरीके से अपीलें कर रहे हैं मुसलमान को, लेकिन वहाँ पे जाहिर है कि हुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। रोडें बंद हो चुकी हैं, बिजली के तार गिर चुके हैं, बिजली की लाइटें नहीं है, खाने पीने का मसला है। तो बफलो में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है सूरत हाल खराब नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान जलान। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन। दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।